दोस्तों, अगर आपको अपने डॉग के लिए लीश खरीदनी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हैं, उन लिंक्स पे क्लिक करके आप वो लीश खरीद सकते हैं अपने डॉग के लिए। हमारे इस लिस्ट में 10th नंबर पर है रॉटवाइलर। रॉटवाइलर एक लॉयल डॉग ब्रीड है जिनका ओरिजिन जर्मनी से है। ये बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं और इन्हें एज अ सर्विस डॉग, पुलिस डॉग, हर्डर और एज अ थेरेपी डॉग्स भी यूज़ किया जाता है। रॉटवाइलर को अगर अच्छी ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन करवाई जाए तो ये बहुत ही अच्छे कंपेनियन बन सकते हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग की लिस्ट में 9th नंबर पर है ब्लड हाउंड। ब्लड हाउंड को वाइल्ड बोर और डियर जैसे बड़े जानवरों का पीछा करने के लिए ब्रीड किया गया था। इनका सेंस ऑफ स्मेल सारी डॉग ब्रीड में सबसे अच्छा होता है। ब्लड हाउंड एक इंडिपेंडेंट डॉग ब्रीड है और ये मीडियम टू लार्ज साइज के होते हैं। इन्हें सर्च एंड रेस्क्यू मिशन जैसे कामों के लिए भी यूज किया जाता है। इस लिस्ट में 8th नंबर पर है पैपिलॉन। पैपिलॉन एक स्मॉल साइज की फ्रेंच डॉग ब्रीड है। ये डॉग बहुत ही फ्रेंडली और एनर्जेटिक होते हैं। इन्हें छोटे बच्चों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। इनकी लाइफ स्पैन भी दूसरे डॉग्स के मुकाबले ज्यादा होती है। ज्यादातर पैपिलॉन्स की लाइफ स्पैन 17 ईयर्स तक हो सकती है। इस लिस्ट में 7th नंबर पर है लैब्राडोर। लैब्राडोर वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में से एक है। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं और ये बहुत ही इजीली ट्रेन हो सकते हैं। लैब्राडोर इंडिया में बहुत ही इजीली अवेलेबल है और ये फर्स्ट टाइम डॉग ओनर्स के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। ये बच्चों के साथ भी इजीली रह सकते हैं और सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। इस लिस्ट में 6th नंबर पर है शेटलैंड शीप डॉग। शेटलैंड शीप डॉग का ओरिजिन स्कॉटलैंड से है। इन्हें एज अ हर्डिंग डॉग ब्रीड किया गया था और ये कॉली डॉग ब्रीड्स में से एक है। ये बहुत ही प्लेफुल और इंटेलिजेंट होते हैं और हमेशा नए ट्रिक सीखने के लिए तैयार रहते हैं। इस लिस्ट में 5th नंबर पर है डॉबरमैन। दोस्तों, डॉबरमैन को उनकी लॉयल्टी की वजह से भी जाना जाता है। ये अपने ओनर के लिए बहुत ही लॉयल होते हैं और इन्हें गार्ड डॉग, पुलिस डॉग और वॉच डॉग जैसे कामों के लिए भी यूज किया जाता है। डॉबरमैन फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए नहीं होते। अगर आप इन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग देंगे तो ये अच्छे से ट्रेन हो सकते हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड की लिस्ट में 4th नंबर पर है गोल्डन रिट्रीवर। दोस्तों, गोल्डन रिट्रीवर पूरे वर्ल्ड में 3rd मोस्ट फेमस डॉग ब्रीड है। ये बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं और ये सबके साथ फ्रेंडली होते हैं, चाहे वो स्ट्रेंजर्स ही क्यों ना हो। इन्हें बहुत से डॉग स्पोर्ट खेलने के लिए भी यूज किया जाता है। इस लिस्ट में अब हम आ गए हैं टॉप 3 पे और 3rd नंबर पर है जर्मन शेपर्ड। जर्मन शेपर्ड पूरे वर्ल्ड में 2nd मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है लैब्राडोर के बाद। जर्मन शेपर्ड को आप बहुत से कामों के लिए ट्रेन कर सकते हैं और वो उस काम को ज़रूर पूरा करेगा। इन्हें बहुत सी कंट्रीज पुलिस और मिलिट्री के कामों में यूज़ करती है। अगर आप जर्मन शेपर्ड को अच्छे से ट्रेन करें तो ये आपके बहुत ही अच्छे कंपेनियन बन सकते हैं। 2nd नंबर पर है पूडल। पूडल 3 टाइप्स के होते हैं, टॉय पूडल, मिनिएचर पूडल और स्टैंडर्ड पूडल। ये डॉग ब्रीड एक्टिव और इंटेलिजेंट होती है जिसकी वजह से इन्हें ट्रेन करना बहुत ईजी होता है और पूडल्स को डॉग शोज में भी लाया जाता है। इस लिस्ट में 1st नंबर पर है बॉर्डर कॉली। दोस्तों, बॉर्डर कॉली बहुत ही अच्छे हर्डिंग डॉग्स होते हैं और इन्हें स्कॉटलैंड के बॉर्डर पे ब्रीड किया गया था, इसलिए इनके नाम के आगे बॉर्डर लगता है। बॉर्डर कॉली वैसे तो इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होते हैं, लेकिन उसी के साथ ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव डॉग ब्रीड्स में से भी एक है। ये डॉग ब्रीड बहुत ही एनर्जेटिक होती है, इसीलिए इन्हें ज़्यादातर डॉग स्पोर्ट्स में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ये बहुत से मेडल्स भी जीतते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड टॉप 10 मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड्स के बारे में।